मुलाकात थी, काफ़ी लंबी मुलाकात चली, क्या कुछ बातचीत हुई, किन विषयों पर लेकर सर? मित्रों, सबसे पहले तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बधाई दी, उनके लिए शुभकामनाएं की। वैसे भी काफ़ी समय से प्रधानमंत्री से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते रहते। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी सर मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, उस प्रकार के जितने भी विषय उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उनकी सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है, उसके शिलान्यास के लिए हमको दिया है। तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, हरेश्वर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएँगे, हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार इन सब विषयों पर चर्चा हो सर। मंत्रिमंडल विस्तार का भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है जब अक्सर आप दिल्ली आते हैं, तो क्या उन विषयों को लेकर कुछ ये विषय सामान्यतः हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से हम चर्चा करते हैं, जब उनसे मिलूंगा तो उनसे चर्चा करूँगा। सर, आपका बाकी दिल्ली दौरा आप कैसा रहेगा, कुछ कार्यक्रम की सर थोड़ी सी जानकारी हम लोग को दे दी? नहीं, आज दिल्ली दौरा बाहर नहीं है, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और ये विषय करने के लिए समय मुझे मिल गया था। समय तो 4 दिन पहले भी मिला था, लेकिन उस दिन गुजरात जाना हो गया, इसलिए उनकी ओर से गुजरात जाकर के आना चाहिए। गुजरात में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है, तो फिर वहाँ चला गया था, आज का समय चर्चा हुआ था, इसलिए आज अभी कार्यक्रम नहीं है, कल सुबह आ सकते। शुक्रिया। किसानों दल की परिस्थिति बारे में उन्होंने पूछा है सर, तो क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, उनको करनाल की घटना उसकी भी जानकारी मैंने दी और किसान आंदोलन के बारे में भी जो जो बातें हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोलने के लिए हमको निर्देश दिए हैं उस पर भी चर्चा हुई है, उसकी बैठक हमारी चल रही है, वो सारी जानकारी मैंने दी। सर, करनाल में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं कहेंगे कि शांति से बात निपट गई, सरकार की तरफ से भी बड़ा दिल दिखाया गया, एक सिचुएशन विन-विन सिचुएशन निकल कर आकर जो आगे इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में भी जो बातें निकल करके आएंगी वो सबको मान्य होंगी, चाहे सरकार हो चाहे जो संगठन है किसान संगठन हो। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।